नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत नौजवान, नया नया MBA किया हुआ फ्रेश ग्रेजुएट, जॉब का पहला दिन होता है, घर से बहुत तैयार शैयार होके, बड़ा मोटिवेटेड होके अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरता है तो मौसम देखने के लिए आसमान की तरफ नज़र दौड़ाता है। तो सामने सामने वाले ब्लॉक में 5वें फ्लोर पे एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बालकनी में खड़े होकर बाल बना रही होती है। नाज़रीन, आंखें मिलती हैं दोनों की, लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन पैदा होती है। लड़की से इशारों में पूछता है कि घर में कौन कौन है, लड़की कहती है कोई नहीं, ऊपर आ जाओ। लड़की की दावत पे लड़का भागता हुआ ऊपर चढ़ता है, जैसे ही ऊपर जाता है बैल बजाता है, लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है और इसे वेलकम करती है, अंदर आने का कहती है। लड़का जैसे ही अंदर जाता है लड़की दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाती है। लड़की बाहर निकलती है, लड़का बड़ा परेशान होता है, लड़का दरवाज़े की तरफ लपकता है तो पीछे से उसे एक काला शीरी आगे पकड़ लेता है और जबर तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाता है। जब ये काम हो जाता है तो लड़का बिल्कुल परेशान होता है, उसे समझ ही नहीं आती इसका हुआ क्या है, लड़की के चक्कर में आया होता है, पीछे काला शीदी रगड़ देता है। तो पीछे मुड़ के देखता है, काला शीदी उसको बोलता है काम तो हो गया है, अभी पीछे बिरयानी पड़ा हुआ है, वो खा के जाना। लड़का गुस्सा भी बड़ा आ रहा होता है, सोचता है यार ये बिरयानी, इस जलालत के बाद क्या बिरयानी खानी है। लानत भेजता है, बेचारा अपना बाल बाल सीधे करता है, कपड़े वपड़े झाड़ता है और जॉब पे चला जाता है। पूरा दिन नाज़रीन यही सोचता रहता है किस तरीके से मैं इस लड़की से बदला लूँ और इसके साथ भी वही करूँ जो शीदी ने मेरे साथ किया है। अब अगला दिन सुबह फिर वही होता है, तैयार श्यार होकर निकल रहा होता है, इस बार डेलिब्रेटली ऊपर बालकनी की तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, बालकनी खाली होती है। लड़का सोचता है यार चलो थोड़ी देर में आ जाएगी, एक सिगरेट निकालता है, सिगरेट लगाता है, सिगरेट पी रहा होता है, इतने में वो लड़की एज़ यूजल बाल बनाती हुई बालकनी में आती है, आंखें मिलती हैं, लड़का बड़ा गिले वाली नज़रों से उसको देखता है और उसे इशारों इशारों में कहता है कल तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लड़की कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि पीछे वो शीदी था, मैं तो कोई काम से बाहर निकली थी, तुम्हारे लिए चाय वाय बनाने के लिए चीनी भी नहीं लेने बाहर निकली थी, पीछे से उसने जो किया मैं उसमें मुलव्वज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम आज आ जाओ, आज शीदी नहीं है। लड़का ये सोच के वापस ऊपर चढ़ता है, लड़का कहता है ये बदला लेने का बड़ा अच्छा तरीका है, नादिर मौका है। लड़का जाता है उसके घर पे, वापस बैल बजाता है, लड़की दरवाज़ा खोलती है, अब के लड़का कोई गलती नहीं करता, हाथ पकड़ता है लड़की का और सीधा कमरे में ले जाता है, कमरे में लेके जाता है और कमरे में उसे बेड पर धक्का देता है और दरवाज़ा बंद करता है। इतनी देर में वो लड़की बेड की दूसरी साइड से उतरती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोल के बाथरूम में घुस जाती है, बेड के नीचे से वापस शीरी नमूदार होता है और वही करता है जो उसने पहले किया होता है। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान, लेकिन चूँकि दूसरी बार होती है तो सरप्राइज़ नहीं होता, तो लड़का बेचारा एज़ यूजल काम वाम होने के बाद खड़ा होता है, बाशल बनाता है, शीरी वही नारा लगाता है कि बिरयानी पड़ा है, कहाँ के जाना। लड़का सोचता है यार चलो जो होना था सो हो गया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चलो बिरयानी खा लेते हैं, थोड़ी बहुत बिरयानी खाता है और निकल जाता है। अब पूरा दिन वही मामला, सोच ना काम में दिन लगता है ना कुछ, अगले दिन फिर वही हो, कई दिनों तक उसका यही मामला होता है। अगले दिन फिर एक दिन आता है, नीचे उतरता है, बालकनी देखता है खाली होती है, ऊपर जाता है, काफ़ी इंतज़ार के बाद फ्लैट को देखता है ताला लगा होता है। अब ये बड़ा बेचारगी के आलम में ऑफिस चला जाता है, फिर कुछ दिनों तक यही माजरा चलता है, ना लड़की होती है ना शीदी होता है, ऑफिस जाता रहता है, काम करता रहता है। थोड़े दिनों के बाद बाज़ार में उसे वो लड़की मिल जाती है, लड़की से पूछता है कि तुम लोग किधर चले गए हो, लड़की कहती है कि शीदी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, उसे अडियाला जेल भेज दिया गया और मैं आजकल रेस्ट हाउस में रहती हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, तो तुम जब चाहो आ सकते हो, चाहो तो अभी चलो। लड़का उससे 2-3 सवालात करता है ये जानने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि शीदी तो नहीं होता वहाँ पे। लड़की उसे दस्तावेज़ात दिखाती है कि देखो ये शीदी जो है कैद है अडियाला जेल में, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली होती हूँ और तन्हाई का शिकार हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम अभी चलो मेरे साथ। लड़के को जब कन्फर्म हो जाता है कि शीदी नहीं है वहाँ पर, तो लड़का सर झटकता है, उसको कहता है अगर शीदी नहीं है तो फिर जाने का क्या फ़ायदा। नाज़रीन समझ तो आप गए होंगे, यही मामला हमारी पूरी कौम के साथ है।
बिल्लो रानी को दिखाते हैं, पीछे जरदारी साहब आ जाता है सीढ़ी बन के, रगड़ देता है। फिर उसके बाद मरियम रानी को दिखाते हैं, पीछे से नूरा शीदी आ जाता है नवाज़, रगड़ देता है 5 साल तक रगड़े गए। अब फिर नया चूरन बिक रहा है, चाहे तो खरीद लें, होगा वही जो पहले होता रहा है। लिहाजा मेरा मशवरा आपको यह है कि इस बार शीदी को ना आजमाएं, इस बार बल्ले को आजमाएं, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ खान की ज़रूरत है और आपको अच्छे पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया।